हेलो वेलकम बैक टू ना अदर एपिसोड ऑफ़ मोरमेंट और जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा और सुना कि किस तरीके से मेरी बाइक का इंजन जो है वो काफ़ी सारा नॉकिंग की आवाज़ दे रहा था ये इश्यूज़ एक्चुअली कुछ महीनों से हो रहा है गाइज और ये जो है ये नॉकिंग कांस्टेंट नॉकिंग नहीं है सो so, कभी कभी नॉकिंग की आवाज़ आती है और कभी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है कभी ये सुबह आती है कभी इंजन गर्म होने के बाद आती है कभी इंजन ठंडा होने के बाद आती है सो इट्स क्वाइट फनी गाइस क्योंकि ये नॉकिंग की आवाज़ परमानेंट नहीं है सो आई वाज नॉट श्योर कि इसका सोल्यूशन क्या है आई डेफिनेटली नो कि ये समथिंग रिलेटेड टू टाइमिंग चेन के रिलेटेड uh, ये नॉइज़ आ रही है सो गाइज़ आई हैव गॉट द सोल्यूशन और ये इशू मैंने हंड्रेड परसेंट फिक्स किया हूँ सो so, ये जो वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाने वाला हूँ गाइज़ कि किस तरीके से आप इस टाइमिंग चेन की आवाज़ को ख़त्म कर सकते हो और एकदम स्मूद एंड बटरी आपका इंजन हो जाएगा उसके बाद सो so गाइज ये वीडियो होने वाला है दो डिफरेंट पार्ट के अंदर इस फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका एक सोल्यूशन बताऊंगा जो कि ऑलमोस्ट सभी के लिए काम करेगा बट दिस इज़ नॉट अ परमानेंट फिक्स गाइज क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं मैंने भी ये ट्रिक ट्राई किया हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ट्रिक आप सभी लोग ट्राई करें अगर आपके इंजन में आवाज आ रही है तो अगर ये इश्यू रिजॉल्व नहीं होता तो पार्ट टू के अंदर जो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा वो एकदम पर्मानेंट फिक्स हो जाएगा आपका नॉकिंग का इश्यू सो so गाइज़ सबसे पहले तो हमें इस चेन टेंशनर के ऊपर जो कैप लगा होता है उस कैप को निकाल लेना है और uh, काफ़ी सारे इंजन में इस कैप के बदले एक स्क्रू uh, लगा होगा जिसे आपको मैनुअली निकालना होगा सो so, ये कैप मैंने यहाँ पे निकाल लिया हो गाइज़ और इस कैप निकालने के बाद हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी सो so, सबसे पहले हमें टूल की जरूरत पड़ेगी वो है छोटा स्क्रू ड्राइवर गाइज़ जो कि इस तरीके से दिखता है ताकि हम इस टाइमिंग uh, चेन को प्रॉपरली एडजस्ट कर सकें सो गाइज़ बाइक का साइड पैनल भी निकालने वाला जिसके लिए मैं एक प्लस स्क्रू ड्राइवर और एक एलन की यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे काम करने में आसानी हो सो so, आप भी ये चीज़ करें गाइज क्योंकि इसे एडजस्ट करते टाइम पे आपको काफ़ी सारा स्पेस लगेगा प्रॉपरली इसे पकड़ने के लिए सो इट्स बेटर टू रिमूव द साइड पैनल सो दैट वी कैन वर्क प्रॉपरली गाइज सबसे पहले तो मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको करना क्या है ठीक है सो आपको सबसे पहले ये फ्लैट स्क्रू ड्राइवर लेना है गाइस, और जैसे कि आप फुटेज में देख रहे हो ऊपर एक रेफरेंस फुटेज मैंने दिखाई है आपको आपको बस इसे क्लॉकवाइज घुमा लेना है क्लॉक घुमाने के बाद जो है ये इसका चेन टेंशनर जो है जो कि आगे रॉड लगा होता है पुश रॉड वो पीछे चला आता है गाइस और उसके बाद सिर्फ आपको ये रिलीज़ करना है इस तरीके से आपने सुना होगा एक नॉइज आती है गाइस और ये जो चेन टेंशनर का जो रॉड है वो रिलीज़ हो जाता है और आपकी चेन गाइड को हिट करता है जिसकी वजह से आपकी जो चेन है वो टाइट हो जाती है सो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है गाइस ये प्रोसेस आपको एक रॉस यूट्यूब दिखेगा कि इस तरीके से इशू फिक्स किया जाता है बट गाइज़ इसकी रियलिटी क्या है ये अभी मैं आपको बता देता हूँ लेकिन उसके पहले गाइस ये रबर कैप जो है मैं इसे अपनी जगह पे लगा देता हूँ गाइस और अभी मैं आपको इंजन की आवाज सुना देता हूँ इंजन स्टार्ट करके गाइस so जैसे कि आप सुन सकते हो कि इंजन का नॉकिंग का जो आवाज है वो लिटरली थोड़ा बहुत बढ़ गया है गाइज इनफैक्ट कम होने के बदले सो so, यहाँ पे मुझे सोल्यूशन नहीं मिला है गाइज uh, तो मैं आपको एक दूसरा मेथड बता दाऊँ यहाँ पे आपको करना क्या है सो चेन टेंशनर गाइज दो तरीके के आते हैं एक होता है मैनुअल चेन टेंशनर जो कि आप मैनुअली इसे टाइट या लूज कर सकते हो दूसरा आता है ऑटोमेटिक चेन टेंशनर जो कि इस बाइक में लगा हुआ है और मोस्ट ऑफ दी बाइक्स में ऑटोमेटिक ही आता है लेकिन ऑटोमेटिक चेन टेंशन अगर ख़राब हो जाता है गाइस, सो देर इज़ नो वे टू रिपेयर इट उसे सीधा रिप्लेस करना पड़ता है बट यहाँ पे मैं कुछ और करने वाला हूँ गाइस, जिसकी मदद से आप देख सकते हो कि ये इश्यू जो है वो फिक्स होता है या नहीं सो so, सबसे पहले तो गाइस, हमें इसका कैप फिर से निकालना होगा और इंजन को स्टार्ट करके मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दूँगा तो so गाइज़ जैसे कि इंजन चालू हो चुका है गाइज़ और आप देखोगे कि मैं यहाँ पे इसे क्लॉक घुमाता हूँ क्लॉक घुमाने से इसके अंदर का जो चेन टेंशनर है वो चेन को लूज़ करेगा गाइज़ एंड यू विल बी एबल टू ही लॉर्ड ऑफ नॉकिंग नॉइज़ आप देख सकते हो एंड सुन सकते हो यहाँ पे कि नॉकिंग नॉइज़ जो है वो किस तरीके से बढ़ रहा है और जैसे ही मैं इसके एंटी क्लॉक घुमाता हूँ तो ये नॉकिंग की साउंड जो है वो काफ़ी कम हो जाती है काफ़ी हद तक कम हो जाती है सो so गाइज़ ये ट्रिक आप ट्राई कीजिए इसे एंटी क्लॉक घुमाइए ताकि आपका जो चेन टेंशनर है वो पूरी ताकत से आपके जो चेन गाइड को है वो टाइट कर सके यहाँ पे मैं माइक हटा लेता हूँ तो आप डिफरेंस सुन पाओगे कि आप अगर इंजन से दूर हो तो आपको कोई भी नॉकिंग की आवाज़ नहीं आएगी खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया तो मज़ा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ so तो जैसे कि आप सुन सकते हो गाइस नॉकिंग का आवाज़ जो है वो खत्म ही हो चुका है कोई नॉकिंग की आवाज़ यहाँ पे नहीं आ रही है अगर मैं इस माइक को दूर ले जाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी नॉकिंग की आवाज़ नहीं आ रही है अगर आप गाड़ी बैठ चलाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यू you नो know, कभी इस बाइक में नॉकिंग था सो गाइज़ यहाँ पे हम हाँ अभी डस्ट कैप इसे फिक्स कर लेते हैं और uh, ये माइक को मैं आपको फिर से एक बार नज़दीक लेके इंजन के आपको आवाज़ सुना देता हूँ ताकि आपको सेटिस्फैक्शन मिल सके कि हाँ ये जो इंजन नॉकिंग की आवाज़ है ये इस तरीके से खत्म हो सकती है लेकिन वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था गाइज दैट दिस इज़ नॉट अ पर्मानेट सोल्यूशन विच आई एम शोइंग इट टू यू सो इसलिए मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके आ रहा हूँ गाइज ताकि मैं आपको बता सकूँ ये ट्रिक मेरे लिए काम करी या नहीं करी या फिर अगर काम नहीं करी है तो इसका पर्मानेंट सोल्यूशन मैंने क्या किया हो सो so उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके उस वीडियो पर पहुँच सकते हो गाइज सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा गाइज एंड प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल बिकॉज मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं गाइस और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मोटो मेटर एनआलसी यू इन द नेक्स्ट वीडियो